हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज है मेरे चैनल का बर्थडे, क्योंकि आज मेरे चैनल को लगभग पूरे एक साल कंप्लीट हो चुके हैं। पिछले 27 जुलाई को मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो वो जर्नी आज पूरी एक साल की हो गई। तो उसी के उपलक्ष्य में मेरा ये वीडियो ब्लॉग आपके सामने है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस एक साल की जर्नी में मैंने क्या पाया है, क्या खोया है और क्या सीखा है। तो दोस्तों, जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था, और हाँ दोस्तों, शुरू में मुझे सबसे पहले ये भी नहीं आता था कि मोबाइल को किस तरह पकड़ना है। मोबाइल से जब वीडियो बनाते हैं तो मैं खड़े मोबाइल से वीडियो बनाता था, जो कि स्क्रीन पर आधा वीडियो दिखता था, वो भी उल्टा, कभी सीधा, ऐसे होता था। तो ये चीज़ मुझे नहीं आती थी। फिर मुझे किसी यूट्यूबर भाई ने बताया कि मोबाइल को आड़ा रखा जाता है, तभी उसमें वीडियो सीधा दिखता है। तो फिर मैंने ये चीज़ भी सीखी और मैं अपने मोबाइल से, आड़े मोबाइल से वीडियो बनाना सीखा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना जल्दी अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बट बीच में चैनल डाउन भी हुआ बीच बीच में। तो सबसे पहले दोस्तों, जब मैं यूट्यूब चैनल खोला तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, बट मैंने कुछ चैनल पे वीडियो देखे कैसे अपलोड करते हैं, फिर मैंने अपलोड करना सीखा। फिर इसके बाद मुझे शुरू में थंबनेल का कुछ पता नहीं था कि थंबनेल कैसे बनते हैं और कहां से बनाए जाते हैं, कौन से ऐप से थंबनेल बनते हैं, और वीडियो कौन से ऐप से अपलोड होते हैं। तो पहले तो मैं YouTube से ही जाके डायरेक्ट अपलोड करता था, जो कि वो तरीका बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि जब अपन डायरेक्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो जो YouTube की एल्गोरिथम है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है, मतलब वीडियो वायरल नहीं होता। तो इसी वजह से मेरे शुरू के जो वीडियो हैं वो वायरल भी नहीं हुए। और दूसरी बात, ना मुझे टैग लगाना, ना टाइटल लिखना, कुछ नहीं आता था दोस्तों। वीडियो को पब्लिक करना है कि अनलिस्टेड करना है, और पब्लिक कब करना है और अनलिस्टेड कब करना है, तो ये भी मुझे नहीं आता था दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं वीडियो बनाता रहा और अपलोड करता रहा। फिर मैंने काइनमास्टर अपलोड किया, नहीं, काइनमास्टर मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको चलाना सीखा, क्योंकि काइनमास्टर एप्लीकेशन इतनी इजी नहीं है, वो भी डिफ़िकल्ट है। तो उससे मैंने वीडियो अपलोड करना सीखा, वीडियो की कटिंग करना, थंबनेल बनाना, और थंबनेल में क्या लिखना है, टाइटल में, ये सब मैंने सीखा। तो दोस्तों, ये जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और मैं सीखता रहा, वीडियो डालता रहा, और लोगों का रिस्पांस मुझे मिलता रहा और मिल भी रहा है दोस्तों। तो आज मेरे पूरे एक साल कंप्लीट हो चुके हैं चैनल के। तो इसमें मैंने जो सीखा है वो मैंने आपको बता दिया है। तो फिर टाइटल में क्या लिखना है, ये भी मैंने सीखा। इसके बाद दोस्त मुझसे व्यूअर्स जुड़ते गए, मेरे सब्सक्राइबर, और मैं आज मेरे सब्सक्राइबर हो गए 1250 1.25K, और वॉच टाइम भी हावर और सब्सक्राइबर दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ये भी 1200 से ऊपर है, तो आपको टाइटल में दिख रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक थैंक्स टू माय गुरुदेव, मैं अपने गुरुदेव को चरण स्पर्श करते हुए उन्हें धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी कृपा से मेरा चैनल अच्छा चल रहा है। और इसके बाद जो मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर है उनको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है, तो वही मेरे सब कुछ हैं। और मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो मुझसे ऐसे ही जुड़े रहे और मेरी इस YouTube चैनल की यात्रा को आगे बढ़ाए और मुझे सपोर्ट करें,
क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा चैनल नहीं चल पाएगा। तो इसी आशा के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूं दोस्तों, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस एक साल के सफ़र में भरपूर साथ दिया और आगे भी साथ देते रहोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।